सीबीआई की पूछताछ से पहले आज कोलकाता में भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ममता बनर्जी। 15 मिनट अभिषेक के घर ठहरकर उनकी मासूम बेटी के साथ बाहर आई सीएम ममता। कुछ ही पल में काफिले के साथ हुई रवाना। सीएम ममता के रवाना होते 5 मिनट के भीतर अभिषेक के घर पहुंची सीबीआई की टीम। दो गाड़ियों में आए सीबीआई के ऑफिसर। कुल 3 घंटे हुई थी रुजरा की बहन मेनका से पूछताछ। कोयला तस्करी केस में आज सीएम ममता बनर्जी की बहू और अभिषेक की पत्नी रुजरा बनर्जी से पूछताछ जारी। रुजरा से विदेश के खाते में ट्रांजेक्शन को लेकर भी सवाल जवाब। सोमवार को सीबीआई ने दोबारा दिया था रुजरा को नोटिस। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा इसमें केंद्र का कोई दखल नहीं। गुजरात में 6 नगर निगमों के मतों की हो रही है गिनती। पहले सभी निगमों में बीजेपी का था कब्जा। सूरत में 120 सीटों में से 68 सीटों के रुझान सामने आए। 50 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। सूरत में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 10 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे। अहमदाबाद में निकाय चुनाव में 192 सीटों पर में से 94 सीटों के रुझान सामने आए। 62 पर बीजेपी को बढ़त। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी घुसपैठ। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे। 18 पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे। वडोदरा में 76 में से 45 सीटों के रुझान सामने आए। बीजेपी 36 पर आगे, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे। जामनगर में 23 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। भावनगर में 52 सीटों में से 29 सीटों के आए रुझान। 23 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस आगे। अहमदाबाद में एक निकाय सीट का नतीजा घोषित, बीजेपी को मिली जीत। गोधरा में आज ओबीसी करेंगे रैली। तहसील पंचायत चुनाव के लिए मांगेंगे वोट। भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सिखाया मानवता का सबक। प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट भारतीय हवाई सीमा से गुजरने की मंजूरी दी। श्रीलंका जाएंगे इमरान। इससे पहले पाकिस्तान ने दिखाया था ओछापन। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के विमान को पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोका था। सऊदी अरब और अमेरिका जा रहे थे पीएम मोदी। स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट घोषणा पर वेबिनार का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। 2025 टीवी की बीमारी खत्म करने का लक्ष्य तय किया। आईआईटी खड़गपुर के 66वीं दीक्षांत समारोह में शामिल प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के समारोह में रही वर्चुअल उपस्थिति। सेल्फ 3 का पेश किया फॉर्मूला। सेल्फ 3 यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मिदनापुर में सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी के आईआईटी खड़गपुर में संबोधन का किया विरोध। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसान पंचायत में करेंगी शिरकत। कांग्रेस कर रही है कई जिलों में किसानों की पंचायत। प्रियंका की 14 किसान महापंचायत। बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में भी कर चुकी है महापंचायत। प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप। कहा प्रियंका पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पॉलिटिकल पाखंड कर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा पाखंड से भरी है कांग्रेस और प्रियंका की सियासत। इनका कमरे में टोपी और सड़क पर तिलक लगाने का रहा है इतिहास। बस्ती महोत्सव में पहुंचे बीजेपी सांसद। मनोज तिवारी ने लगाई सुरों की तान। कहा यह कांग्रेस और फ्रस्ट्रेशन का चरम सीमा वाला दौर। मनोज तिवारी का आरोप कांग्रेस एसपी बीएसपी और आम आदमी पार्टी किसानों के कंधे पर कर रही है राजनीति। अमिताभ और अक्षय के खिलाफ बोल रही हैं गुंडों वाली भाषा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने जमा किया जौहर यूनिवर्सिटी के कमता से 1,37,00,000 रुपए से चुकाकर जौहर विश्वविद्यालय को सील होने से बचाया। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच अभिनेत्री पॉली डैम, ऋतुपर्णा सेन, चुनी गांगुली समेत तमाम सितारों से मिले सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर। एनडीएफसी के ने टॉलीवुड सितारों का कराया संगम। 90 दिनों से लगातार जारी किसान आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी डटे किसान।
इंदौर में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, 6 छात्रों की मौत। सड़क पर खड़े पेट्रोल टैंकर में जा घुसी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, 4 छात्रों ने मौके पर दम तोड़ा, 2 छात्रों की अस्पताल में इलाज के दौरान जान गई। हादसे में स्विफ्ट के उड़े परखचे, आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, सभी मृतक रोसरा के रहने वाले, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, स्कॉर्पियो सवार थे 10 लोग। देवघर में बस हादसे में 20 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर, खड़े ट्रक से बस की सीधी टक्कर। कई वारदातों से कांपा यूपी का शाजापुर, 4 साल और 8 साल की 2 बहनों से दरिंदगी, 1 के सर कुचल कर की गई हत्या, 1 गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। मदरसे में पढ़ने गई दोनों बहनें खेत में पड़ी मिली थी, परिजन बता रहे हैं दुष्कर्म का मामला। शाजापुर में ही एक और वारदात, डिग्री कॉलेज से लापता बीए की छात्रा हाईवे के किनारे अधजली हालत में मिली, निर्वस्था हालत में पड़ी थी छात्रा, इलाज के लिए लखनऊ रेफर। यूपी की बाराबंकी में पशु तस्करी से पुलिस की मुठभेड़, 1 सिपाही और 1 तस्कर गोली लगने से घायल। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग, 24 कर्मचारी घायल, 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से लाखों का नुकसान। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में विस्फोटक नष्ट करते वक्त हुआ धमाका, 6 लोगों की मौत, 1 घायल, प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। पुलिस की छापामारी के दौरान कुछ लोग नष्ट कर रहे थे जिलेटिन की छड़े, तभी हुआ ब्लास्ट। यूपी के उन्नाव में 8 लोगों पर FIR, ट्वीट में गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने का आरोप। बागपत में चाट के 2 दुकानदारों में हुई मारपीट, सड़क पर देर तक भिड़े दोनों दुकानदारों के बीच हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया, ग्राहकों को भड़काने को लेकर भिड़े चाट के दुकानदार। नोएडा के सेक्टर 18 में अल्जी पैनल में लगी आग, जल्द आग पर पाया गया काबू। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, दिल्ली में 90 रुपए 83 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। डीजल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ, दिल्ली में 81 रुपए 32 पैसे 1 लीटर डीजल की कीमत। फिर रुला रहा है प्याज, झज्जर सब्जी मंडी में 50 रुपए किलो तक पहुंचे भाव। बंगलुरु में प्राइवेट स्कूलों ने किया विरोध प्रदर्शन, 30% फीस की कटौती से नाराजगी। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बरपा हंगामा, कैदी का इलाज कराने आए सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल कर्मचारी को मारा थप्पड़, अस्पताल कर्मियों ने रोका काम। झारखंड के खूंटी में हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। हाजीपुर में विवाद सुलझाने पहुंचे दरोगा की झड़प में गई जान, हंगामे के दौरान आया हार्ट अटैक। कोरोना का खतरा झेलते महाराष्ट्र में पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शाही शादी, कई दिग्गज नेताओं ने तोड़े कोरोना के नियम। देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत और शरद पवार ने भी की थी शिरकत, 200 की जगह पार्टी में मौजूद थे 700 मेहमान। दिग्गज नेताओं ने नहीं लगा रखे थे मास्क, पंडाल में भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं। आज तक की खबर के बाद श्वेता, पुणे प्रशासन, पूर्व सांसद धनंजय महादिक समेत 3 पर केस दर्ज। आपदा कानून और IPC की धाराओं में दर्ज हुआ केस, कोविड गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप लगा। कोरोना के केस ताबड़तोड़ बढ़ने के बाद महाराष्ट्र की जनता लापरवाह, लोग नहीं पहन रहे मास्क। अमरावती जिले में 1 मार्च तक लॉकडाउन, नागपुर में स्कूल कॉलेज ट्यूशन सेंटर 25 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए बंद। कोरोना के खतरे के बीच भी बाजारों में भीड़, नागपुर के सीतामढ़ी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। कोरोना की दूसरी लहर पर अभी प्रशासन की राय नहीं, BMC कमिश्नर बोले कुछ दिन नजर रखने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं इसको एक सर्ज बोलूंगा, स्पाइक बोलूंगा, परंतु इसका मैं उत्तर दे सकता हूं 10 से 12 दिन बाद, जब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी तब मालूम चलेगा कि ये वेव है या टेम्परेरी स्पाइक।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बढ़ा संकट, मास्क नहीं पहनने वालों के कट रहे चालान। कोरोना की चपेट में आए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से जोधपुर में धारा 144 लागू, शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल। कोरोना टीकाकरण को लेकर गृह मंत्री ने की समीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरे विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा इंदौर और भोपाल में मास्क लगवाने का पालन करवाया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस से कर्नाटक सतर्क, कर्नाटक में एंट्री से पहले टेस्ट जरूरी। वाशिम में कोरोना के मद्देनजर सतर्कता और ज्यादा बढ़ी, बस स्टैंड को किया गया सैनिटाइज। असम के डिब्रूगढ़ में भी कोरोना का फैलाव, मशहूर जॉन बॉस्को स्कूल कंटेनमेंट जोन में शामिल। ओडिशा में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम तेज, पूरे देश में ओडिशा का तीसरा नंबर।